आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं अंधविश्वास और लॉजिक के संबंध में स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ बातें हैं ऐसी जिसमें कि अंधविश्वास भी है और लॉजिक भी है, तो इसे समझते हैं। सबसे पहले तो बैठ करके खाना खाना यानी कि जमीन पर बैठ करके खाना खाना, इसमें अंधविश्वास क्या है कि कहा जाता है कि जमीन पर बैठ करके खाना नहीं खाने से आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं। बट लॉजिक क्या है, जमीन पर बैठ करके खाना खाने से आपकी पाचन क्रिया ज्यादा अच्छा कार्य करती है यानी कि अच्छे तरीके से कार्य करती है और खाना आसानी से पच जाता है, तो इसलिए यह हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है जमीन पर बैठ करके खाना खाना। अंधविश्वास ये भले ही है एक कि कहा जाता है कि पूर्वज नाराज होंगे, लेकिन हमारी सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत फायदेमंद भी होता है। अब आइए जानते हैं अगले लॉजिक और अंधविश्वास के संबंध में। कहा जाता है, अक्सर आपने सुना होगा कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए। अंधविश्वास क्या है कि इसे बुरी किस्मत के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन लॉजिक क्या है, पुराने वक्त में बिजली नहीं होने के कारण रात में नाखून नहीं काटने की सलाह दी जाती थी। उस वक्त नाखून काटने के लिए भी औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, इससे अंधेरे में उंगलियों के कटने का डर होता था। ये लॉजिक है और लॉजिकल बात है क्योंकि पहले इतनी रोशनी की व्यवस्था नहीं होती थी और अगर आप अंधेरे में नाखून काटेंगे तो आपके उंगलियों के कटने की संभावना रहती है। आइए अगला लेते हैं टॉपिक, मंगल और गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए। जी हाँ, अंधविश्वास क्या है इस संबंध में कि इस दिन बाल धोने से बुरे वक्त की शुरुआत होती है। लॉजिक क्या है, पुराने वक्त में लोग अपने घरों में पानी स्टोर करके रखते थे, बाल धोने में पानी ज्यादा खर्च होता है, तो इन दो दिन पानी बचाने के लिए बाल नहीं धोए जाते थे, ये नियम बना लिया गया था। इसके अलावा ग्रहण के समय बाहर न आना, इसमें अंधविश्वास क्या है कि बुरी ताकतें हावी हो जाती हैं, और लॉजिक क्या है, ग्रहण के वक्त सूर्य की किरणों से त्वचा के रोग हो सकते हैं, साथ ही साथ नंगी आंखों से उसे देखने से लोग अंधे तक हो सकते हैं, तो इसीलिए बाहर न आने की सलाह दी जाती थी। मंदिर में घंटी बजाना, अंधविश्वास क्या है, मंदिर में घंटा बजाने से भगवान खुश होते हैं, ये आप मान सकते हैं, लेकिन ये मानसिक सुख की बात है, हम क्षमा चाहेंगे, किसी का भी जो भावना है किसी की उसको आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन लॉजिक है इसमें, ये फायदेमंद कैसे है ये जानते हैं। ज़्यादातर मंदिरों में तांबे की घंटी लगी हुई होती है, तांबों को बजाने से निकलने वाली ध्वनि आसपास के सूक्ष्म बैक्टीरिया को मारती है, साथ ही साथ शरीर के सातों केंद्रों को एक्टिव कर देती है, तो इसीलिए ये अंधविश्वास भी हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। आप कह सकते हैं कि अंधविश्वास है लोगों में, लेकिन ये हमारे भले के लिए, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो कहीं आप लाल डब्बे में शीशी में रख दीजिए जहर, बार बार वो हाथ मारता है तो माँ उसको बोल देती है मकाओ, यानी कि एक डराने वाला फेस बना करके बोल देते हैं, भूत या जिस चीज़ से वो डरता है वैसी चीज़ें बोल देती हैं, तो वहाँ पर इंटेंशन उसको बचाना होता है। तो इसी प्रकार से इसको आज के डेट में अंधविश्वास भले ही कहा जाता है, पहले विश्वास होता था यही, लेकिन इसके पीछे लॉजिक भी है, यही हम आपको इस एपिसोड के माध्यम से आगाह कराना चाहते हैं। अब एक और अंधविश्वास और लॉजिक से जुड़ी हुई बात है, दही खा करके घर से निकलने की। जी हाँ, अंधविश्वास ये कहता है कि इसे खा करके घर से निकलना शुभ होता है, लेकिन लॉजिक क्या कहता है कि गर्म मौसम के कारण दही खाने से पेट ठंडा रहता है, साथ ही साथ दही में चीनी मिला करके खाने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है, इसलिए आपके यात्रा के सफल होने के चांसेस बेहतर होते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी चीज है, बस इसको मानने का तरीका आज बदल रहा है, लेकिन फायदे तो हैं ही, जैसे कि दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकाना, ये भी बहुत पहले से होता आ रहा है, इसे लोग आज अंधविश्वास कहते हैं, इससे बुरी नजर और बुरी ताकत दूर होती है ऐसा कहा जाता है, इसीलिए इसको अंधविश्वास मान लिया जाना लाजमी भी हो सकता है, लेकिन लॉजिक भी है इसमें। लॉजिक क्या है, नींबू मिर्च में मौजूद साइट्रिक एसिड होता है जो कि कीड़े मकोड़ों को घर में अंदर आने से रोक देता है, तो आपका घर जो है स्वच्छ और सुंदर रहता है, तो इसलिए ये लॉजिकल भी है। तो ये चीजें हमारे फायदे के लिए ही हैं, बस हमें इसको आज के जमाने के अकॉर्डिंग लॉजिकली समझना है। पहले ये चीजें एक इस रूप में कह दी गई हैं क्योंकि लोगों की आस्था धर्म में भक्ति बहुत थी, तो उस ढंग से जोड़ करके बताई गई ताकि उनका भला हो सके, मानव कल्याण हो सके, इसलिए किया गया है, क्योंकि सबको ये समझा पाना बहुत मुश्किल था कि क्या होता है, क्योंकि सबके पास
इतना ज्यादा उस वक्त हार्ड वर्क भी होता था, एक छोटी छोटी चीज के लिए बहुत मेहनत करनी होती थी, तो पूरा पूरा दिन उनका जाता था खेत में काम करते हुए, तो इतनी चीजों का स्टडी कर पाना मुश्किल हो जाता था सबके लिए और समझा पाना, तो इस वजह से भी और शिक्षा भी इतनी आगे नहीं गई थी, इसलिए भी लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं हो पाता था। बट आज भी हमें उसको मानना होता है क्योंकि उनके पीछे लॉजिक है, और जब ये लॉजिक पता चल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये नियम क्यों बनाए गए हैं और इन नियमों के फायदे कितने हैं। ये आज की वीडियो रही। आपका क्या ख्याल है इस संबंध में, आप अपना सुझाव जरूर दें, आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है और खास करके ऐसे टॉपिक्स पर हम सभी की राय बहुत मायने रखती है। आप क्या सोचते हैं इस संबंध में, जरूर अपनी राय दें। ये वीडियो आप सभी देख रहे थे आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक शेयर एंड कमेंट वीडियो को जरूर किया करें क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास लाइक शेयर एंड कमेंट करने का बहुत सारे लोगों को लाभान्वित कर सकता है। सो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।